के लिए गर्व का दिन है। आज हमने चांद की ओर बढ़ा है। आज कहाँ घुमा रहा, इधर घुमाना। आज हमने चांद की ओर बढ़ा है। आइए आज हम सब मिलकर ये प्रण ले, आज हमने चांद की ओर फतह किए हैं, आगे जाके मंगल पर भी फतह करेंगे, आगे जाके मंगल पर भी फतह करेंगे, पूरा स्पेस में फतह करेंगे, पूरा स्पेस में फतह करेंगे। आज मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरा विश्व ये जान चुका है, ये भारत वो भारत नहीं रहा, ये न्यू इंडिया हो गया है, न्यू इंडिया हो गया है। जय हिंद, जय भारत। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं फकीर चंद आप सभी का स्वागत करता हूँ बिन देखी टीवी से।
आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इसरो से गुलाबो देवी और खासा से जलेबी देवी और एक मुख्य कांग्रेसी नेता चंपकलाल जी हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा मुद्दा है चंद्रयान 2। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं चंद्रयान 2 से चंद्रमा पर लैंड करने से पहले उसे हमारा संबंध टूट गया है, तो हमने 125 करोड़ देशवासियों से इसके बारे में पूछा कि चंद्रयान 2 लैंड हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखते हैं जनता का क्या अनुमान है, जनता क्या कह रही है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं जनता अनुमानित कर रही है कि चंद्रयान 2 लैंड किया है नहीं किया है। देखिए 20%, 40%, 60% और ये 100% हो गया है। तो हमारे 25 करोड़ देशवासियों ने अनुमान किया है, उन्होंने बताया है ये वाली चीज। हमारा जो न्यूज चैनल है वो इसमें टॉप टियर का चैनल है, तो हमें पता है इस चीज का कि क्या चीज है। हमारा 24 घंटे काम ही यही है, हम यही कहते रहते हैं। हमें फिर देख लीजिए हमारा ये भी ऐसी की तस्वीर। जब नारी कंप्लीट करो मम्मी मम्मी मुझे पैसा चाहिए। कॉमन सेंस मम्मी मम्मी मुझे पैसा चाहिए। मम्मी 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 मेरे को मोबाइल फोन चाहिए। मम्मी मुझे एमएससी करने के लिए दूर अब्रॉड जाना है। मम्मी मम्मी मुझे एमएससी करने के लिए अब्रॉड जाना है। पढ़ लिख कर करोगी क्या? बहुत खर्चा आएगा। आएगा फिर वहाँ से तू आएगी तो तेरा रिश्ता आएगा। देना पड़ेगा फिर शादी करेगी और ससुराल चली जाएगी। अरे बेटा जब तेरी ये बात है शादी पर आकर रुकी है तो तू शादी करो और तेरे बाप से come on.
समझने की जरूरत है कि अगर हम अपने बेटों को ये आजादी दे सकते हैं तो कुछ नहीं बोला लेकिन हम औरतों और अपनी बेटियों को दूर नहीं जाने देते क्यों? आज समाज बदल रहा है लेकिन हमें भी उसके साथ बदलने की जरूरत है। समाज तब बदलेगा जब हमारी सोच बदलेगी। अगर हर घर के पेरेंट्स ये जो सोचने लगे कि मेरी बेटियां दूर जा सकती हैं, वो पढ़ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, तो अगर उस घर की बेटी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ हर समाज में बदलाव आएगा। अगर हमारा घर बदलेगा हमारी सोच बदलेगी हमारा समाज में परिवर्तन आएगा क्योंकि अगर हम बदलते हैं तो हम सही समाज है, समाज से ही हमारा देश है। अगर हमारा समाज बदलेगा तो हमारे देश में भी तरक्की होगी। और ये सिर्फ वुमेन को बढ़ाने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा समाज बढ़ेगा देश में साथ साथ वुमेन से अगर वुमेन पढ़ लिख जाती है तो अपने साथ साथ अपने पूरे घर को एक आगे लेकर जाती है। लड़की गलती करे तो गलती, लड़का करे तो नहीं। ये कैसा समाज है भाई, कैसा समाज है? लड़की गलती करे तो गलती, लड़का करे तो नहीं। अरे उसको भी तो चांस दो, एक गलती करे क्या इसे ये मत समझिए जो अपना सपनों को खो दे। अरे हमारे भी ये है, चंद्रमा पे लड़कियां भी जाती हैं, वो भी देखना आप मंगल मिशन में लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, इसलिए उसको भी चांस दिया करो, उसको भी दिया करो। Like, share, feel like this. Subscribe. And comment, please. Sir, hello. आगे बैठ नहीं सकते ना अरे सर के सल ए सर लो के पास जाओ, सर लो के पास एक सर छोड़ हंसी है तो थोड़ा सा